सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब एक बार फिर से समीर सर की पाठशाला में, मेरी पाठशाला में फिर से स्वागत है आप सब का। और आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन है। अभी जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है उसमें खासकर हर प्रश्न को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, मैथ्स का और रीजनिंग का हो चाहे वो जीके का ही क्यों नहीं हो, लेकिन मैं फिलहाल भी मैथ्स और रीजनिंग पर चर्चा करूंगा। तो वो प्रश्न जो उसके आंकड़े थोड़े कुछ चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर वो प्रश्न वही रहेगा और कम से कम चैप्टर का तो पता चल ही जाएगा। तो जो मैं प्रश्न किए जा रहा हूँ तो वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो को बीच में स्किप कर हटा देंगे उससे तो आपको उससे फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको लाभ होगा। तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए मैं चैप्टर आगे बढ़ा। देखिए दो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है आपको टाइम एंड वर्क तो में भी रहता है और प्लस इसका एक और रेशियो प्रोपोर्शन है वगैरह चैप्टर है और उन सब दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है दो आदमी अथवा में मैंने और यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, तीन औरतें किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो 6 आदमी तथा एक औरत उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए आपको मैन पावर पहले निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि दो आदमी यानी दो मेल जो है वो बराबर कितने का है आपको 3 फीमेल का, ठीक है, दो आदमी 3 फीमेल के बराबर काम करता है। तो या तो दो आदमी बोलेंगे या 3 औरत बोलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपको फार्मूला लिख देता हूँ इसका, क्योंकि आपका काम आ जाए, मैं इसका फार्मूला ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये होता क्या है, M1 इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू सॉरी इंटू D2। तो ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है। इसमें M1 का ये मैन पावर हो गया, ये आपको घंटा हो गया, ये दिन हो गया, और फिर बराबर के इस पार जो इक्वल टू का ये भी मैन पावर हो गया, ये आवर हो गया, घंटा हो गया, क्योंकि इसमें दो बार आदमी दिया हुआ, यहाँ पे आदमी है और ये बराबर के बाद वाला ये 6 आदमी वगैरह, ठीक है। तो ज्यादा डील नहीं करूंगा क्योंकि वो तो क्लास हो जाएगी आपकी। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले दो आदमी अथवा 3 औरतें, तो इसमें किसी को आपको मैन पावर चेंज करना होगा, तो मेल को फीमेल में कर दे या फीमेल को मेल में कर दे। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दो आदमी बराबर 3 औरतें हैं तो मैं सिर्फ 3 औरतों को लेता हूँ। लिखा हुआ है 3 औरतें, देखिए फार्मूला पे किसी काम को कितने 30 दिनों में करते हैं, घंटा है नहीं, घंटा मैंने दिया नहीं। इसके बाद दिया हुआ है 6 आदमी, जब दो आदमी बराबर 3 औरतें तो 6 आदमी बराबर, यहां 3 × 2 होगा ना, ये भी 3 × 3 हो जाएगा, यानी कि 6 आदमी बराबर सॉरी 6 आदमी बराबर 9 फीमेल हो गया, ठीक है, स्पष्ट है, बराबर पॉज करके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 6 आदमी बराबर 9 औरतें और प्लस एक औरतें इस काम को वार दिनों में करेंगे, कितना हिस्सा तो है, 9 × 10 हो गया, 10 × 30 हो गया, डी बराबर क्या हो गया 3 × 9, यानी कि 9 दिन आपका कंप्लीट। बहुत ही आसान था, मजेदार था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू दी पावर 4 a बराबर वाट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व कीजिए, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्टेप 1 चले, ठीक है। इसके बाद यहीं पे लिख दिए साइन ए इक्वल टू, इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए का मान क्या हो गया, साइन ए है यहां पे, ठीक है, प्लस और ये हो जाए आपको साइन स्क्वायर ए, नंबर क्या होता है हम सभी को जानते हैं, होता है 1, हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए लगातार देख रहे हैं और अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप लोग 100% ग्रुप डी निकालोगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका ये 6025 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालोगे तो एक लंबा सा खांचा पालोगे, फिर उसमें लिखोगे 6025, फिर इसका पेयर बनाओगे तो काफी समय इसमें लॉस होता है, ठीक है। तो सबसे आप जो मेरा वीडियो सर्च कर रहा है उसमें लिखा वर्गमूल निकालने का तरीका, उसमें ट्रिक मैंने दिया हुआ है,
नहीं तो मैं एक निकालूंगा, लेकिन उसमें सारा ट्रिक दिया उस वीडियो को, इसको देखने के जस्ट बाद पूरा वीडियो को अवश्य देखना, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल में क्या होता है कि ये दो अंक को हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर घरमूल यानी क्यू जब निकालना होता तो क्या करना, तीन अंकों को लिया जाता है, ठीक है। ये दो अंकों को लिया तो पांच का कोड होता है पांच, ठीक है। ये आप उसमें देखोगे ऐसे पांच का कोड हमेशा पांच ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इधर बचता है कितना, 600। इससे हमको कोई मतलब नहीं, 25 से बचा 600। ये 600 से नीचे का देखिए कौन सी संख्या जो है 600 से नीचे का कोई स्क्वायर है। जैसे कि आपको यहां देख रहे हो, यहां मैं फिर से लेता हूं, 25 का स्क्वायर होता है कितना, 2625, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको मित्रों, 576, 576, ठीक है। तो ये दोनों में से 600 से छोटा कौन है, तो 576 है, इसका मान कितना है 24, तो यहां लिख दो आप 24। तो ये आपको आंसर हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया 245, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम एन वास्तविक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज के लिए आप लोग मैच वो उसमें जो मैंने दिया है वो वीडियो का अवश्य देख लिया, उसमें पूरा क्लियर है। तो प्रथम एन संख्याओं जो होता है ना, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 समथिंग दिया हुआ है, तो लास्ट वाले को कहते हैं एन, है ना। तो एन प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला होता है, बस वही बोल रहा है, कुछ करना नहीं उसमें, एन प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपको प्रूफ करना है कैसे होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बताया दे रहा हूँ कि प्रथम एन संख्या का औसत होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, और आपको करना क्या है बोला है, एन प्लस एन एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एन प्लस 1/2 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस वक्त तो दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों से, ट्रिक पर चलना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जितनी परिधि वो जो पास सबसे फेयर होता है वो, तो वो जो होता है परिधि रेडियस का अंतर, दोनों का डिफरेंस बीच का है 37 है, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर पूछ रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr पता है आपको, तो 2πr माइनस यही हो गया, त्रिज्या r का अंतर दिया हुआ 37, ठीक है। इसका मान कितना होता है 22/7 पाई का, तो 2 × 22/7। आप चाहो तो समय बचाने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं इसमें r को कॉमन ले लेते बाहर, यहां बचा 2r 2π माइनस 1 इक्वल टू 37। अब जो है इसका मान हो गया 22/7, तो अंदर में बचा आपको इंटू 44/7 माइनस 1/37, ठीक है। अब इसका ऐसे उसको सॉल्व करोगे हो जाएगा आर इंटू 37/7 इक्वल टू 7, ये खत्म, आर बराबर क्या हो गया 7, ये तो ये क्या हो गया आर यानी कि आधा। अब पूरा डायमीटर पूछ रहा है यानी कि आर इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। डी पूछ रहा है यानी कि क्या पूछ रहा है आपको, व्यास 7 × 2 इक्वल टू 14 हो गया आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बने रहे अंत तक। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज फिर आपके सामने, ये दो प्रश्न है आपके सामने, ये भी मेंस्ट्रुएशन से है। देखिए मेंस्ट्रुएशन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही हल्का, ठीक है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आपका भी पीछे फेंका जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को मिस नहीं करना, ठीक है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आप इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे ढंग से करें। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। और बाकी प्रश्न जो है वो तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन ये सब प्रश्न आपको छूटना नहीं है, ये सब बेसिक है, जो कि शुरुआत में बताया जाता है। तो किसी आयत है ना, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 105 है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, चलो उसे मतलब नहीं है। यदि उसकी लंबाई 21 है तो उसका परिमाप क्या, पेरीमीटर पूछ रहे हैं आप उसका, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। एल इंटू बी दिया हुआ कितना 105, जिसका लेंथ दिया हुआ आपको लंबाई 21 गुना बराबर 105, ये कट गया 21 से 5 बार में, यानी कि आपका ये हो गया 5, बी हो गया 5। अब परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी
सूत्र अपने जगह पर है। अब इसका एल क्या है 21 प्लस बी कितना आ गया 5 यानी कि 2 इंटू 26 इक्वल टू कितना हो गया आपको 52 जो गया इसका आंसर। ठीक है अब चले ये 7 नंबर किसी घनाव ठीक है की भुजा दिया हुआ है उसका साइड दिया हुआ है 24, 6 और 8 उसका विकर्ण यानी डायगोनल क्या होगा। तो घनाव का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है घनाव का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें इसमें एल दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसका आपको 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576 इसका हो गया 64 और इसका हो गया आपको 36 तो हो गया आपको 676 सबको ऐड करने के बाद। अब इसका वर्गमूल निकालो अगर ये सबसे पहली बात आप जब भी स्टार्ट करते हो कंप्यूटर तो 1 से 40 तक 1 to 40 जो है स्क्वायर याद कर लो कम से कम और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब वो याद कर लो एकदम याद करना ही करना है। ठीक है याद आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर निकाले तो 676 होता है कितना का 26 का स्क्वायर। ठीक है 26 का ये हो गया आपको 26 आंसर। अगला प्रश्न तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए देखिए ये भी ये है आपको परसेंटेज से। ठीक है किसी संख्या में 75% का 2/3 घटाने पे लेस करने में डिडक्ट करने पे 320 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। लेट द नंबर एक्स माना की संख्या एक्स तो इस एक्स में आपको बोल रहा है इस किसी संख्या में 75% का 2/3 घटाने पर ये क्वेश्चन कुछ गलत हुआ मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है क्वेश्चन मैं ठीक कर देता हूँ प्रश्न ये 600 छूट गया था किसी संख्या है ना किसी संख्या में 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है 320 प्राप्त होता है संख्या मान लिया x इसमें घटाए 600 का 75% का 2/3 इतना करने के बाद प्राप्त होता है 320। अब ये दोनों जीरो खत्म 3 से ये 2 बार में खत्म x माइनस 75 × 4 हो जाएगा आपको कितना 300 बराबर 320। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है अब ये इधर आगे हो जाएगा प्लस संख्या x इक्वल टू हो जाएगा 620 ये हो गया आपका आंसर। ओके ये अगला प्रश्न है परसेंटेज से है और ये है ए बी से 10% ऊंचा है ज्यादा है बड़ा है वजनी है ये सब प्रश्न रहेगा। ठीक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है इसे हम लोग कई प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है इसको बनाने के कई प्रकार हैं इसमें सीधा से बात ये है ए और बी ए बी से 10% ज्यादा है अगर ये 100 है तो ये 110 है। ठीक है तो दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है 10 यानी ये 10 ज्यादा है और ये 10 कम है तो ये जो 10 है बोलता है बी से कितना प्रतिशत कम है ये जो है बी से कितना परसेंट कम है तो इसे बहुत सारा तरीका है बनाने का 100 है 10 तो इतना हुआ ठीक है। सीधा सा बात यह ऐसे प्रश्नों में आपको ये जब ऐसा प्रश्न हो तो इसमें आप देखेंगे परसेंट सिर्फ एक रहेगा इसके साथ एक जुड़ा क्या रहेगा ये सब ज्यादा या कम जैसे कि कोई महिला चीनी के भाव बढ़ जाने पर उसके खपत में कितनी कमी कर दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो ऐसे प्रश्नों में तो ये सारे प्रश्न इस प्रकार में आपको काम देंगे। तो इसके साथ जब ये ज्यादा जुड़ा हुआ हो तो आप क्या करोगे ऊपर लिखोगे 10
नीचे अगर ज्यादा है तो 100 प्लस 10, 110 इंटू 100, ये जीरो गया, कितना बचा 100 बाय 11, इसको आप सॉल्व करो, वन हो जाएगा 9 होल 1 बाय 11 परसेंट, ये हो जाएगा आंसर। बाय द वे, यदि यहां पर ज्यादा का जगह कम होता आपके 10, नीचे का क्या लिखते 100 माइनस 10 यानी कि 90 इंटू 100, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बता, मैं लिखकर ट्रिक ही दे रहा हूं, ठीक है। अब अगला प्रश्न, तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक अवश्य करें, अगर अच्छा लगे तब करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगता है तो जरूर करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे उतने अच्छे सब्सक्राइबर नहीं मिले फिर भी, लेकिन प्यार जरूर मिला है, क्योंकि सब्सक्राइब अब लगभग मेरा 1000 तो होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका, 8000 रूपये की धनराशि, धनराशि मैंने पी होता है प्रिंसिपल, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वो लोग समझे धनराशि क्या होती है, ठीक है, कि वार्षिक यानी टाइम हो गया, ये रेट हो गया, वार्षिक सामान्य ब्याज इंटरेस्ट की दर रेट कितने वर्षों में 800 हो जाएगी। तो प्रतियोगी एग्जाम में क्या होता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में, कि मतलब ज्यादा फार्मूला रटना नहीं चाहिए, किसी एक फार्मूले पर आपका काम हो जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बचपन से, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, सीधा बात है, यानी ये होता है ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये तो आप लोग जानते हैं, बस क्यों ना इसी को लेकर चले बना दे बात करता मैं, बोलते ना। तो ये मूलधन कितना आपको की, कितना 8000, समय कितना है, समय ही तो निकालना है, समय लिख दो आप टी, और कितना है 5 बाय 100, और ये ब्याज कितना आपको प्राप्त हुआ, आपको 800 हो गया। अब जो टी आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा, 800 चला गया 10 बार में, काम खत्म, 10 से ये 0 0 खत्म, 5 से ये 2 बार में खत्म, टी यानी टाइम बराबर हो गया आपको 2 वर्ष 2 ईयर हो गया आंसर। कितना रखोगे फार्मूला, ज्यादा नहीं रखने का, थोड़ा सा एक फार्मूला से सारा कंप्लीट, आगे चलते हैं। तो मेरा अगर प्रश्न में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो को आप लोग देख लें, जैसे ये प्रश्न है ये मैं तो धड़ाक से सॉल्व कर दूंगा, यानी मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है, मैं दिमाग में सर हूं ना इसलिए। तो ये क्या है, किसी ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका क्या होता है आपको, ए प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला है। इसके लिए आपने वीडियो समय तथा कार्य टाइम एंड वर्क अवश्य देखें, देख ही लें, एग्जाम पास करना है एकदम देख लें, ठीक है। तो बस ये आप ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर है, ए और बी दोनों मिलकर है, इसमें एक्स हो गया आपको 12 और वाई हो गया 15 और ए प्लस बी एक्स प्लस वाई 27 पूरे 3 5 15 3 9 27 3 3 9 3 4 12 बराबर 20/3। हालांकि हमने जो तोड़ेगा तो फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा जो सही बात है, लेकिन आपके एग्जाम में आंसर दिया हुआ है 20/3 डेज, क्या है डेज। हाँ तो दोस्तों ये अब तक मैथ था, मैथ अभी बहुत सारे मैथ है और मैं आपको बताता रहूंगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है बार बार। अब कुछ रीजनिंग मैं आपको खासकर बताया दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा बोर नहीं हो और मजे से पढ़े, ठीक है। अब मैं रीजनिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन रह गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है वाट बाय 54 इक्वल टू 96 बाय वाट। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ विशेष नहीं है, इसको क्या करो आप एक्स इसके जगह पर एक्स मान लो, जैसे कि एक्स बाय 54 इक्वल टू 96 बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 इंटू 54, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 96 इंटू 54, और इन सबों को गुणा करने के बाद जब आप वर्गमूल निकालोगे एक्स का मान कितना हो जाएगा,
72। ये हो गया आपका आंसर, 12 क्वेश्चन कुल मैंने कराए। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है रीजनिंग का, ये वेन डायग्राम बनाना है, फिर ये आपको चैन रूल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार क्वेश्चन आपके सामने में है। जैसे फल, आलू और सब्जी, तो ये आपको चार ऑप्शन में दिया रहा है, इसको कैसे बनाना है, आपको कैसे उसमें जताना है इसका वेन डायग्राम क्या होता है। तो इसका एनियल डायग्राम ऐसा होगा, जैसे कि ये पूरा हो गया सब्जी, क्या हो गया सब्जी, इसके अंतर्गत चले आते हैं आलू, आलू आते हैं सब्जी के अंतर्गत, लेकिन फल सब्जी में नहीं आता, इसलिए अलग होता है। तो ये चार ऑप्शन है, बिल्कुल आपको इस तरह का जो होगा वो आपको रंगना होगा, कंप्यूटर में आपको करना, कलर करना होगा। उसी प्रकार से है ऑक्सीजन, नियोन और नोबल गैस। तो ये पूरा हो गया नोबल गैस, और नोबल गैस के अंतर्गत ही आते हैं आपको कौन जी, क्या जी, नियोन। है ना, लेकिन ऑक्सीजन इसके अंतर्गत नहीं आते। सपोज कीजिए यहां पर क्या होता, सब्जी, आलू, बैंगन, इसका कैसे वेन डायग्राम होता आप लोग बना चुके हो मेरे ख्याल, ठीक है। ये पूरा पूरा सब्जी हो गया, इसके अंतर्गत आलू भी हो गया, इसके अंतर्गत बैंगन भी हो गया, इसी वेन डायग्राम कहते मेरे ख्याल से। इतना छोटा है आप लोग, और आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि ये आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को बताना कि बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है कि ये चैनल कैसे कि 1 है 5 है 9 है 13 है, इसका अलावा है, इसको बहुत ही सिंपल तरीका से लिया गया, कोई विशेष बात नहीं रही। इसके इसके बीच डिफरेंस कितना का है, +4 का है, इसके इसके बीच +4 है, इसके इसके बीच +4 है, यहां से भी यहां कितना हो जाएगा +4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 17 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो -37, ठीक है, 35 हो जाएगा, -35, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा -35, और यहां से यहां भी हो जाएगा -35, तो 82 में 35 चला गया, तो कितना बचेगा आपको 47। अब ये प्रश्न है कैलेंडर से, ये भी आपको सीरीज से ही प्रश्न है, और ये आपको कोडिंग डिकोडिंग से है, बेहद आसान, बहुत मजेदार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, दम तो आप में है, हम में है, ठीक है। 10 सितंबर 2018 को सोमवार 44 डेज बाद 3 बार कौन सा दिन होगा। 10 सितंबर 2018 को सोमवार था, तो इसके 144 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। प्रश्न में कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें छोड़ दिया जाता है, उसको खुद से मैंने सोचना पड़ता है, प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं प्रश्न में, ये तो कैलेंडर एक चैप्टर ही होता है, इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, पर बहुत बार। और इसके मैं कल आप लोगों को बता रहा हूँ अभी से कि जीके के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, वो प्रश्न आप लोग देखने के लिए कल जीके के लिए अवश्य मतलब वो मेरा वीडियो देखें, और वीडियो पूरा का पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अच्छा नहीं लगता तो मत करें, ठीक है। तो ये कितना 144, सबसे पहले आप सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भागा दीजिए, है ना, 20 बार में होगी सीधे सीधे 144, 140 होता है 4, ये जो 4 बचता है शेष यानी रिमाइंडर बचता है हो गया सोमवार, यानी कि मंडे +4 इक्वल होता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, है ना, शुक्रवार, ओहो सॉरी, शुक्रवार फ्राइडे हो गया, ठीक है। अब इसमें चलते हैं MH.21QU = what। अब कैसे हुआ ये,
इसका मान सबका आप लोग सबसे पहले ये देख ले कि ये कैसे हो रहा है, ये 21 कैसे हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मान है, इसका मान होता है बाएं से दाएं से, बाएं से 13वां होता है और ये बाएं से 8वां होता है। दोनों को प्लस कर दीजिए तो 13 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं फिर सब लोग देखिए। इसका मान है आपको 13, इसका मान आपको 8, कितना होता है 21 आंसर इक्वल टू 21। इसी प्रकार से Q का मान होता है 17, इसका होता है 21। दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7 1 8 2 1 3 38। अब ये कोडिंग डिकोडिंग से है, तो कोडिंग डिकोडिंग में तो फॉर्मूला नियम बहुत ज्यादा है सॉरी तो इसमें क्या देखना पड़ता है आपको, ऐसे आपको नियम से ही बता देता हूं। इसको कहते हैं वर्ड, इसको कहते हैं कोड, डी ई एल एच आई डेली, इसे कोड दिया हुआ है सी डी के जी 1 2 3 4 5 डी एल एच आई सी डी 3 2 5 डी एल डबल हो गया डी ई एल एच आई। इसके बाद आपको इसका कोड दिया हुआ है सी डी के जी एस, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे लिखा गया है, तो अगर आप लोग लर्नर हो न्यू तो इसके ऊपर इसका मान बिठा लो, इसके ऊपर इसके नीचे इसका मान बिठा लो। ये 4 है ये 3 है यानी -1 हुआ, ये 5 है ये 4 है -1 हुआ, ये 12 ये 11 -1 -1 -1, ठीक है। इस प्रकार से पटना पी ए टी एन ए, पी 16 होता है, ए 2 होता है, टी 20 होता है, एन सॉरी ए 1 होता है, ए 1 होता है, ठीक है ठीक है, ए 1 होता है और एन 14 होता है, ठीक है। अब ये मैं बता दूं, मेरा सबसे पहला वीडियो था कि किस प्रकार से आप अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू को याद करें, वो ने ट्रिक बताया था, ठीक है। उसका भी 1600 से ऊपर का, 1600 से ऊपर से व्यूअर हो चुका है, तो उसको वीडियो को व्यवस्था देखे, 10 मिनट का ज्यादा का नहीं है, तो उसे ट्रिक बताया मैंने किस प्रकार से प्लेस वैल्यू बनाया जाता है। फिर एक वीडियो 5 मिनट का है, वो दाएं से याद करने का है, एक 10 मिनट का बाएं से याद करने का, वो आप लोग अवश्य देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, -1 15 15 ओ होता है। अब -1 ए -1 होगा तो फिर जेड आ जाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ जेड -1 तो ये हो जाए 19 19 होता है एस और -1 13 13 होता है एम और ये फर्स्ट हाफ होता है और फिर -1 ये होता है जेड, यानी आपका आंसर हो जाता है इसमें ओ जेड एस एम जेड, ठीक है। तो ये आज का चैप्टर यहाँ खत्म हुआ, लेकिन दोस्तों और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो या आप लोग कुछ बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो ही लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो है आप लोग जो मुझे प्यार इतना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।